हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिनव और ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ वो है रियलमी 2 का जो लेटेस्ट अपडेट है उसमें जो बग्स हैं उसके बारे में। तो जैसा कि जिन जिन लोगों के पास भी रियलमी 2 है उन सब लोगों को सुबह सुबह आज अपडेट आया होगा कि एक जो कलर ओएस है उसका एक नया वर्जन अवेलेबल है जो कि है RMX 1805EX_11_A.23। तो ये नोटिफिकेशन मेरे को सुबह सुबह आया और मैंने इसको अपडेट कर लिया जैसे ही आया उसी समय। तो अपडेट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, मुश्किल से 2-3 मिनट लगे। और अपडेट होने के बाद आपका फ़ोन एक बार रिस्टार्ट होता है, रिस्टार्ट होने के बाद से मुझे ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हुआ क्या कि जो वॉल्यूम है इसका फ़ोन का वो अपने आप ही अप डाउन हो रहा है, जो मेन वॉल्यूम है वो भी और जो मीडिया वॉल्यूम है वो भी। जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं जो वॉल्यूम है ये अपने आप ही म्यूट हो गया। फिर मैंने इसको फुल किया भी और ये देखिए फिर से अपने आप ही ये कम हो रहा है, फिर से सेंटर में आ गया है अपने आप ही। तो मैं ये कंट्रोल नहीं कर रहा हूँ गाइस, ये अपने आप ही हो रहा है। तो पहले पहले तो मुझे लगा कि कोई और मेरा फ़ोन कंट्रोल कर रहा है, बट फिर मैंने अपना इंटरनेट कनेक्शन ऑफ करके देखा तब भी ये प्रॉब्लम्स मेरे को हो रही थी। तो ये सिर्फ यूट्यूब के साथ नहीं है, यूट्यूब के वीडियोज़ प्ले करते वक्त नहीं होता ये। आप नॉर्मल जब मैं अपना मीडिया से कोई भी गाने चला रहा हूँ तब भी ये मेरे को प्रॉब्लम फेस हो रही है। और जो इसका गूगल असिस्ट है वो भी अपने आप ऑन हो जाता है, हालांकि इस वीडियो में मैं वो कैप्चर नहीं कर पाया हूँ, लेकिन वो भी अपने आप हो रहा है इसमें। देखिए अपने आप ही प्ले पॉज भी अपने आप हो जाता है इसमें। तो पता नहीं ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, और अगर कोई और भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइए, और अगर किसी को इसका सॉल्यूशन मिला है तो प्लीज़ वो भी बताइए कमेंट बॉक्स में, सो दैट मैं भी इसको रेक्टिफाई कर सकूं। देखिए अपने आप ही ये पॉज प्ले हो रहा है, वॉल्यूम अपने आप कम हो जाता है, वॉल्यूम अपने आप ज़्यादा हो जाता है। तो गाइस मैं ये नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इतना सिली वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि ये मेरे हेडफोन का इशू नहीं है क्योंकि हेडफोन कनेक्ट करने के बाद ही ये सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। जैसे मैं हेडफोन कनेक्ट करता हूँ उसके बाद से प्रॉब्लम होने चालू हो जाते हैं, और अगर मैं हेडफोन निकाल देता हूँ तो ये प्रॉब्लम्स नहीं हो रहे हैं। तो मुझे तो पता नहीं कि क्यों प्रॉब्लम्स हो रहे हैं ये, लेकिन जब से मैंने अपडेट किया तब से हो रहे हैं। सो आई होप कोई मेरे को हेल्प कर पाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।